नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से भारतीय किसान यूनियन भानु 3 दिसंबर को करेंगे बड़ा ऐलान। जहां किसान आयोग के गठन की उठाई मांग। बता दें, उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीतिक गरमाने लगी है। जहां किसान संगठनों के नाम पर अब राजनीतिक अखाड़े शुरू हो गए हैं। किसानों के नेता राकेश टिकैत पर हमलावर रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अब 3 दिसंबर को बड़ा ऐलान करने की घोषणा की है। देखिए खास रिपोर्ट रही पंडित के साथ। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह किसान नेता राकेश टिकैत समेत अन्य की CBI जांच कराने की मांग सरकार से करेंगे। इसके साथ ही किसान आयोग के गठन और किसान की मौत पर मुआवजे की मांग भी सरकार से रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वह कांग्रेस नेताओं के फंडिंग से अपने हित को साधने में जुटे हुए हैं। वह किसान नहीं, किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा बनाई गई MSP से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करें, ऐसा कानून बने सभी किसानों को लाभ होगा, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत विदेशों से फंडिंग कराकर अभी भी धरना जमाए हुए हैं। और साथ ही साथ बोला, 26 जनवरी को जो घटना हुई उसमें जो किसान नेता बन रहे हैं वह भी शामिल थे और खालिस्तानी भी शामिल थे, ऐसा उनका कहना है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु 3 दिसंबर को बड़ा ऐलान करेंगे जो किसानों के हित में होगा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। ऐसा है, हमने मांगा था किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, 10,000 आजीवन भत्ता दो, 1 करोड़ मरने पे मुआवजा दो किसान को, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आए थे, सुन गए और चले गए। अब उनसे जाके हम पूछेंगे, पहले तो यहाँ तो तय करेंगे सो करेंगे, हम कल जा रहे हैं, हम पूछेंगे उन मांगों का क्या हुआ। हमें कुछ चाहिए नहीं और यह जान बाकी है हम पे। यदि इसको भी किसानों हित में, किसान हित में देना पड़ेगा तो आज हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पे हम 30-35 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, तभी से हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे अराजनीतिक रूप में। आज हम यहाँ प्रण कर रहे हैं कि हम पे जो जान है इसको भी कुर्बान कर देंगे। कि ये जो बकवास कर रहे हैं किसान नेता, जितने किसान नेता आज छा रहे हैं उन सभी किसान नेताओं की CBI जांच की घोषणा करेंगे, CBI जांच की मांग करेंगे सरकार से। यदि सरकार है तो, और सरकार बने मतलब में चौकस है तो कुछ भी करे, और नहीं तो इन सब किसान नेताओं की जांच, सबसे पहले मेरी जांच, सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की जांच। कितने ईमानदार, कितने भी, और मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि पहले तो किसान नेताओं की जांच, और हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम कहते हैं कि ईमानदार हैं, हम कहते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। तो पहले किसानों की जांच और फिर बाद में राजनेताओं की भी जांच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश चलेगा। 75 साल में, केवल 75 साल में इन बेईमानों ने, चाहे वो राजनेता हों चाहे वो किसान नेता हों, इस देश को लूट के फेंक दिया है केवल 75 साल में। अंग्रेज जो 200 साल में नहीं कर पाए थे, अंग्रेज गंगा को और यमुना को 200 साल में गंदा नहीं कर पाए थे, इन्होंने 75 साल में उद्योगपतियों से पैसा ले लेकर, नोडू दे देकर सारे उनके गंदे नाले यमुना में और गंगा में पड़वा दिए। ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, ये भारत की संस्कृति को खत्म करना है। यमुना और गंगा इन्होंने इतनी गंदी कर दी कि कोई देख नहीं सकता। उनका जल जो मर्जों को काटता था, आज पानी पी लो तो उसको मरना पड़ेगा। ये सारी जांचें होंगी, कौन कौन से राजनेता ने कौन कौन बेईमानी करी, कहां कहां से धन पटाया, कब कब इन्होंने किन किन उद्योगपतियों के नाले यमुना में और गंगा में डलवाई, ये जांच होनी चाहिए। और ना इन पे हो तो हमें नहीं चार्ज। कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सरकारी MSP से। तो यदि किसानों का भाग्य बदलना है तो किसान आयोग का गठन करना होगा, और किसान आयोग फसलों की लागत को जोड़कर उसका जोड़ा कीमत सरकार को देगा, वो सही MSP मान लो या
किसानों की फसलों की कीमत मान लो, उससे फायदा होगा। आज की एमएसपी से तो कोई दो पैसे का फायदा होने वाला नहीं है। भानु के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आगम 26 तारीख को जब तांडव हुआ था, उस तांडव में ये कहते हम किसान नहीं थे, लेकिन किसान भी थे और इनके साथ खालिस्तानी लोग शामिल थे। उसी समय से हम समझ गए थे कि ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये आंदोलन बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी फंडिंग है इनके लिए। वो फंडिंग जब तक इनको मिलती रहेगी, कौन है उनमें, एक तो कांग्रेस पार्टी है मुख्य, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित और केंद्र की सरकार के विरोधी विदेश अनाडा कनाडा बनाडा इस तरह की, वहाँ से इनको इतनी फंडिंग मिल रही है कि यदि हट जाएंगे तो फंडिंग कौन देगा। तो इनको किसान के लाभ से, बिल और कानून से, ये तो एक बहाना था, और नहीं बहाना नहीं होता तो ये कह देते कि बिल वापसी होगी तो हमारी घर वापसी होगी, बिल वापसी होगी घर चले जाते, एक दो छोटी मांग रह गई और फिर मांगते। लेकिन ये भी तो इनको देखना चाहिए, ये भी तो शर्म आनी चाहिए कि टिगरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पे पक्के मकान बनाकर एसी लगाकर रह रहे हो। किसान यदि होते तुम, केवल यदि किसान होते तो सड़क पर मकान बना लेते, गांव में तो मकान नहीं बनता, गांव में तो किसानों के एसी नहीं लगती, वहां एसी लगा ली। तो ये फंडिंग नहीं तो और क्या है। अंधा आदमी को कहो कि किसान आंदोलन में सड़क पर पक्के मकान बने हैं, उसमें एसी लगाए, तो वो कह रहा होगा कहीं खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।